हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां आपकी कार के सामने कुछ आ जाए और आप जो है अपने कार को रोकने की कोशिश करो। सो गाइस रोकने के लिए हम क्या है ब्रेक पेडल का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हो तो आप ये नोटिस करते हो कि आपका कार का जो है ब्रेक फेल हो चुका है। ब्रेक पेडल दबाने के बाद भी आपका कार जो है नहीं रुक रहा है। सो गाइस आज के वीडियो में बताऊंगा कि आपकी कार का अगर ब्रेक फेल हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से आपका ब्रेक फेल हो, आपकी कार के सामने कुछ आ जाए तो अपने कार को जो है कैसे रोक सकते हो। क्योंकि गाइस मोस्टली बहुत सारे केस में यही होता है कि ब्रेक होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ब्रेक फेल होने के बाद लोगों को ये पता नहीं होता कि अपने कार को जो है कैसे रोके। सो गाइस आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी कार का जो ब्रेक फेल हो जाए तो अपने कार को कैसे रोक सकते हो। साथ साथ जाए आपको जो मैं दो इंसिडेंट भी शेयर करूंगा ये मेरे कार शेड्यूल बीट के ऊपर, क्योंकि मैंने जो ब्रेक फेल प्रॉब्लम अपने इस कार पे दो दो बार नोटिस किया और आपको बताऊंगा कि मैंने दो बार कैसे अपने कार को हैंडल किया ब्रेक फेल के सिचुएशन में। सो सर अपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं सरकारी नई नई वीडियो स्टार्ट करूँगा। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे दो इंसिडेंट है मेरे बीट में क्या हुआ, उस बार बताऊंगा कि ब्रेक फेल होने के बाद कार को रोकते कैसे। तो गाइस मेरे कार में क्या हुआ था कि एक बार मैं अपने ड्राइव पे गया था अपने दोस्त लोग के साथ, तो हुआ क्या कि मैं हाईवे पे नॉर्मल 40, 60, 80 में ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया जहाँ मेरे को ब्रेक मारना पड़ा। जैसे मैंने कहा ब्रेक पेडल दबाया तो ब्रेक पेडल जो पूरा अंदर तक चले गए, इसका मतलब कि जो है ब्रेक लगना ही नहीं है, ब्रेक लगा ही नहीं। सो गाइस मैंने क्या किया, तुरंत अपनी गाड़ी को गियर से कंट्रोल करके गाड़ी को साइड लगाया, फिर मैंने नोटिस ये किया कि मेरे आगे का जो राइट साइड का जो व्हील है ये वाला ये पूरा गर्म हो गया था। तो गाइस गर्म होने के कारण मेरा ब्रेक जो है फेल हो गया था। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि गर्म होने का सिचुएशन क्यों आता है, व्हील जो है गर्म क्यों होता है जिससे जो ब्रेक फेल हो जाता है। गाइस सेम दूसरे टाइम में भी ऐसे हुआ, मेरे कार का जो ब्रेक फेल हो गया, तो गाइस इससे लग ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया दूसरे बार मैंने हैंड ब्रेक खींच के जो अपने कार को जो है रोका। सो गाइस अब सबसे पहले बता देता हूँ कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी को रोके कैसे। तो गाइस गाड़ी का ब्रेक फेल होगा तो सिर्फ दो कंडीशन पे होगा, या तो आपके कार का देखो या तो स्पीड ज़्यादा होगा 60-80 होगा, या फिर नॉर्मल 20-40 में चल रहे होगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है स्लो स्पीड की बात करते हैं, आपका कार जो स्लो स्पीड में चल रहा था आप उसको जो है कैसे रोक सकते हो। तो गाइस देखो जैसे आपका कार जो है 20-40 में चल रहा है और आपने नोटिस ये किया जैसे आपने ब्रेक पैडल पाया तो आपका कार का जो ब्रेक जो है लगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे नॉर्मल जो है आप अगर 20-40 की स्पीड में हो तो क्या करो नॉर्मल जो है हैंड ब्रेक खींच देना पूरे ऊपर तक खींच देना और आपका कार जो है वहीं के वहीं रुक जाएगा थोड़ा सा स्पीड मार के, और कार का इंजन भी उसी टाइम ऑफ हो जाएगा। क्योंकि गाइस गाड़ी गियर में रहेगा तो जैसे ही व्हील लॉक होगा आपका गाड़ी का जो इंजन है वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होगा कि आपका कार जो है थोड़ा हाई स्पीड पे होगा, और हाई स्पीड पे अगर डायरेक्ट अगर हैंड ब्रेक खींचोगे तो गाइस ये गलत है, आपका कार जो है स्किड होगा, स्किड होने के बाद जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, हो सकता है कार पलट जाए या किसी दूसरे गाड़ी में जाके लग जाए। तो यही तो हम लोग इसी चीज़ से तो हम लोग को बच रहे, इसलिए तो हम लोग ये सब ट्रिक जो है लगा रहे। तो गाइस हम क्या करेंगे सब कार जो ज़्यादा स्पीड में 60-80 जो भी है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले जो है आपको जो हाफ हैंड ब्रेक खींच देना, जैसे कि मेरा हैंड ब्रेक इतना खींचता है फुल, तो मैं क्या करूँगा इसको फुल नहीं खींचूंगा हाफ खींचूंगा इससे क्या होगा मेरे पीछे के ब्रेक जो है थोड़े थोड़े पकड़ने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे कार जो स्लो होने लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, क्योंकि आगे हम लोग को जल्दी से अपने कार को रोकना भी है, तो हम क्या करेंगे धीरे धीरे गियर डाउन करेंगे। मान लो मेरा कार जो है फिफ्थ गियर में ऐसा लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कार को जो है फोर्थ गियर पर लेके आऊँगा, फिर थोड़ा सा चलने का, फिर मैं ऐसे तीसरा लगाऊंगा, फिर दूसरा लगाऊंगा, मतलब ऐसे आपको फटाफट से जो है गियर डाउन करते करते आना है, और एक टाइम आएगा जहाँ आपकी कार जो है फर्स्ट गियर में आ जाएगा डाउन करते करते। फिर आप क्या करोगे हैंड ब्रेक जो हम लोगों ने हाफ खींचा है वो आप पूरा खींच दोगे, पूरा खींचने के बाद आपका कार का जो है स्पीड भी स्लो होता जाएगा और साथ ही साथ आपका कार भी रुक जाएगा। तो वैसे मैंने क्या बताया आपका कार ज़्यादा स्पीड पर, तो आप क्या करोगे अपना गियर, जैसे मेरा कार जो है चौथे के गियर में चल रहा है, मैं क्या करूँगा फटाफट से गियर कम करते हुए आऊँगा, पहले तीसरा लगाऊंगा फिर दूसरा लगाऊंगा। अब ऐसे नहीं कैसे गियर लगा के ऐसे कुछ नहीं करना, आपको क्लच छोड़ना है हर बार गियर, जैसे तीसरा लगाया क्लच छोड़ा, फिर मैंने जो है दूसरा लगाया क्लच छोड़ा, फिर मैंने पहला लगाया और एक क्लच छोड़ूंगा, और गाड़ी का स्पीड जो है पूरा स्लो हो जाएगा, पूरा स्लो हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे पूरा जो है हैंड ब्रेक जो है रिलीज कर देंगे, बस इतना ही करना रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसे मैंने बताया कि आपके कार का जो ब्रेक फेल हो जाए तो आप अपने कार को जो है कैसे स्टॉप कर सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियो चाहता हूँ। गाइस अगर आपको वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।